हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन, वो भी घर में। और इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल से हैं, मगर इसका टेस्ट जो है एकदम रेस्टोरेंट जैसा है। आप इसे ज़रूर घर पर बनाएं और बहुत ही आसानी से ये एकदम लाजवाब तंदूरी चिकन रेडी हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो इसके लिए यहाँ पर 2 kg चिकन हमने लिया है, उसे हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। और फिर यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 4 चम्मच, और यहाँ पर दही डालेंगे जिसका हमने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है वो डाल देंगे। और फिर यहाँ पर डालेंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के करीब। अब ये यहाँ पर हम डाल देंगे। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे नींबू का जूस, 1 नींबू का जूस आप डाल दें यहाँ पर। और फिर हम इसे अच्छी तरह से एकदम नमक में अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, तो नमक भी डाल देंगे हम यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम इसे अच्छी तरह से, अब बिल्कुल ये फर्स्ट मैरिनेशन है हमारा, तो इसे हम अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर लेंगे हमारे चिकन के साथ, और एकदम हर एक चिकन में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और फिर इसे 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल मैरिनेट होने देंगे। तब तक हम इसका रेड मैरिनेशन बना लेते हैं, जो बिल्कुल रेड कलर का होगा, जैसे बाजार में बिकती है। तो रेड कलर बनाने के लिए यहाँ पर हमने 5 चम्मच तेल लेंगे हम, और उसे हम हल्का मीडियम गरम करेंगे। और इसमें यहाँ पर डाल देंगे हम कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच। तो इससे क्या होगा कि कलर जो रेड कलर आता है, बिना फूड कलर यूज़ किए हमारा रेड कलर आ जाएगा। और बिल्कुल जो है फ्लेम एकदम बंद कर देंगे हम, और फिर इसे हल्का हल्का स्टर करेंगे मीडियम हॉट ऑयल में। ये आप कश्मीरी मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसे हम साइड में रख देंगे। अब इसे साइड में रखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका मैरिनेशन बनाएंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाले मैरिनेशन के लिए यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, बड़े बड़े साइजेस के चम्मच से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर भुना हुआ 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर डाल देंगे। और फिर चिली पाउडर डालेंगे 2.5 टीस्पून। इन सब मसालों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे 1.5 टीस्पून, ये देखिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा तीखापन आएगा बहुत अच्छा सा, ये भी डाल देंगे। साथ में धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। अच्छी तरह से ये सारे मसाले हम एकदम क्वांटिटी वाइज आप डालना, बिल्कुल लाजवाब सा एकदम फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो कलरफुल सा हमने जो ऑयल बनाया था रेड कलर का, वो डाल देंगे। और उसको डालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने नमक पहले दे चुका है हमारे चिकन में। तो आप यहाँ पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके चिकन में अच्छी तरह से नमक नहीं गया हो तो। यहाँ पर अब हम रेड मैरिनेशन जो है अब यहाँ पर डालेंगे 15 मिनट के बाद, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एकदम सुर्ख लाल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये चिकन में लगने के बाद। तो इसे अच्छी तरह से हम एकदम डाल देंगे हमारे चिकन में, अच्छी तरह से कोट करेंगे हम इसे, ये देखिए बिल्कुल आसानी से कोट हो जाता है। और एकदम बिल्कुल चिपक सा जाता है चिकन में, ऐसा नहीं होता है कि चिकन से बिल्कुल अलग हो रहा है, हट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसे अच्छी तरह से बिल्कुल हम एकदम मैरिनेट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर ना डालेंगे एक मेन इंग्रेडिएंट जो बहुत नेसेसरी होता है, 2 अंडे यहाँ पर डालेंगे हम, ये देखिए 2 अंडे आप बिल्कुल इस तरह से लास्ट में ऐड करें, 2 अंडे फोड़ कर डाल देंगे। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि जितना भी मैरिनेशन हमारा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे चिकन को अच्छी तरह से कोट कर लेगा, क्योंकि अंडे में ऐसी कंसिस्टेंसी होती है ना कि वो अच्छी तरह से कोट कर लेती है सारे मसाले को, जितने भी फ्लेवर्स हमने दिए हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं और बिल्कुल हर एक चिकन में अच्छी तरह से एकदम चिपक से जाते हैं। तो आप इसे बिल्कुल 2 घंटे तक फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें मिनिमम। अगर आप चाहें तो इसे मैक्सिमम रात को मैरिनेट करके सुबह आप कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है 2 घंटे के बाद। अब हम इसे एक सीख लेंगे, या फिर कह लीजिए स्क्यूअर्स, स्क्यूअर्स में हम ये डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसे प्लेस कर देंगे, ये देखिए इस तरह से।
आप चाहे तो पीसेस को छोटा भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा बड़ा सा रखा है। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये बिल्कुल बन जाता है। आप इसे थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट कर दें और फिर इसी तरह से जितने भी सीक्स हैं वो आप रेडी कर लें। अब यहाँ पर हम ये जो चारकोल का सेटअप है इसमें हम अच्छी तरह से इसे बिल्कुल फ्राई करेंगे, एकदम चारकोल हीट में हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे साइड से अच्छी तरह से पक जाए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से सुनहरा हो जाए, एकदम लाजवाब दिखने लग जाए, तब इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से टर्न करते रहें। और लास्ट में जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मेल्टेड बटर या फिर रिफाइंड ऑयल ऊपर से स्प्रिंकल करें ताकि इसमें वो ग्लेज आए जो मार्केट वाले रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं चिकन तंदूरी बनाने के लिए। तो बिल्कुल इसे अच्छी तरह से निकाल लें आप जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसे आप सर्व करें थोड़े से प्याज और थोड़े से नींबू के साथ, नान के साथ, जीरा राइस के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।